दोस्तों, हिटलर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। दुनिया के इतिहास में ये बहुत ही जाना माना नाम है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिटलर का हिंदू धर्म से एक खास कनेक्शन था। हिंदुओं का स्वस्तिक, जो कि बहुत पवित्र माना जाता है, यही स्वस्तिक हिटलर को हिंदुओं से रिलेट करता है, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदुओं के स्वस्तिक को हिटलर ने अपना सिंबल बनाया था। तो क्या वाकई में हिटलर ने कुछ ऐसा किया था? तो चलिए दोस्तों, इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बात है सन 1920 की। उस समय हिटलर अपने नाजी सेनाओं को ताकतवर बना रहा था। इसी दौरान हिटलर के दिमाग में ये सोच आई कि हमारा भी एक झंडा होना चाहिए, एक ऐसा झंडा जो जर्मनी के लोगों और उनकी सेनाओं को रिप्रेजेंट करे, जिसे देखते ही नाजियों और जर्मन के लोगों के बीच जोश भर जाए। इसी तरह सन 1920 में नाजी पार्टी को झंडा मिला। इस झंडे का रंग लाल था, जिसके बीच में सफेद रंग का एक बड़ा सा सर्कल बना था। इस सर्कल के बीच में स्वस्तिक के डिजाइन का एक सिंबल बना था, जो कि 45 डिग्री झुका हुआ था, जिसे हकेंक रेउज कहते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मेन कैंपफ बुक ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है। इस बुक के अकॉर्डिंग ये झंडा नाजी लोगों के बेहतर भविष्य का प्रतीक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस झंडे में इस्तेमाल किए गए लाल रंग का क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं कि इस झंडे में मौजूद लाल रंग नाजी मूवमेंट को दर्शाता है। उसी में मौजूद सफेद रंग जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक था, और इसमें जो स्वस्तिक था वो लोगों के संघर्ष को दिखाता था। तो आइए पहले जानते हैं कि स्वस्तिक होता क्या है और इसका क्या मतलब है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि स्वस्तिक वर्ड संस्कृत के एक वर्ड स्वस्तिका से बना है। ये एक क्रॉस के शेप की तरह होता है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही पवित्र और गुड लक माना जाता है। रिसर्च में ये पता चलता है कि सबसे पुराना स्वस्तिक आज से 15,000 साल पहले पाया गया था, जबकि कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि 10,000 ईसा पूर्व से स्वस्तिक का इस्तेमाल यूरोप के कई हिस्सों में होता आ रहा है, और ये आज तक किसी को नहीं पता है कि इसे कैसे और किसने बनाया। कहा जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में भी स्वस्तिक का इस्तेमाल किया जाता था। अभी के इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता की शुरुआत के सबूत मिलते हैं। ये सभ्यता आज से 2622 साल पहले की थी। इस समय स्वस्तिक मेसोपोटामिया के सिक्कों पर बनाया जाने वाला पसंदीदा प्रतीक था। इसके अलावा स्कैंडिनेविया के भगवान थॉर के हथौड़े में भी इसका चिन्ह पाया जाता है। और अगर बात करें हिंदू धर्म की, तो लगभग 3500 साल पहले भारत में आर्यन इतिहास के साथ ही स्वस्तिक के मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। सदियों से हिंदू धर्म में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। बौद्ध धर्म में स्वस्तिक को भगवान बुद्ध के पैरों के चिन्ह के निशान का प्रतीक माना जाता है। आज भी हिंदू धर्म में नए घरों में प्रवेश करने के समय एक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, और वो चिन्ह स्वस्तिक है। दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्वस्तिक पर बहुत विवाद हुआ था। तो अब आपके माइंड में ये सवाल उठता होगा कि स्वस्तिक पर विवाद क्यों हुआ? तो चलिए जानते हैं कि स्वस्तिक पर विवाद कब और क्यों हुआ। तो सन 1933 से लेकर 1945 के बीच, जब जर्मनी में हिटलर की नाजी सेना पावर में आई थी, तब नाजी सेना हाथों में झंडे लेकर नरसंहार करने लगी थी। इस बीच लाखों यहूदियों को बहुत बुरी तरह मारा गया था, जिसे दुनिया होलोकॉस्ट के नाम से जानती है। इसके बाद से ही इस प्रतीक चिन्ह को यहूदी विरोधी और फासीवादी माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और दुनिया के दबाव में इस नाजी झंडे और स्वस्तिक जैसे प्रतीक को जर्मनी में भी बैन कर दिया गया था। इसके साथ साथ लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया और फ्रांस में भी इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुओं और नाजी पार्टी का स्वस्तिक एक है? हिंदुओं के घरों में इस्तेमाल होने वाला स्वस्तिक बनावट और अर्थ दोनों मामलों में ही नाजी पार्टी के स्वस्तिक यानी हकेंक रेउज से बिल्कुल अलग है। हिंदुओं के घरों में बनाए जाने वाले स्वस्तिक के चारों कोनों में चार छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ये डॉट्स चार वेदों के प्रतीक माने जाते हैं, और नाजी झंडे पर बने स्वस्तिक पे ये डॉट्स नहीं थे। हिंदू धर्म में स्वस्तिक में लाल और पीले रंग का इस्तेमाल होता था, जबकि नाजी झंडे में सफेद रंग की गोलाकार पट्टी में काले रंग का स्वस्तिक बना रहता था। नाजी इसका इस्तेमाल संघर्ष के प्रतीक के तौर पर करते थे, जबकि हिंदू धर्म में ये शुभ और तरक्की का प्रतीक है। तो ये सब जानने के बाद ये साफ जाहिर होता है कि हिटलर ने हिंदुओं के स्वस्तिक को अपना चिन्ह नहीं बनाया था।
बल्कि उसने अपना एक अलग ही डिजाइन बनाया था जो स्वस्तिक से बिल्कुल मिलता जुलता था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे मेहनत को इनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।